नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल शाम से यह खबर आ रही थी कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी अजरबैजान से जब लौट रहे थे तब उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी क्योंकि वहां पर जो वेदर कंडीशंस थी वो ज्यादा फेवरेबल नहीं थी। जब हम डिटेल्स में गए तो ये पता चला कि उस समय की जो वेदर कंडीशंस थी उसमें 5 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसी के चलते ये बताया जा रहा था कि उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। कहीं कहीं पर क्रैश होने के भी खबर आ रही थी लेकिन उसको खारिज भी कई जगहों पर किया जा रहा था। वो जिस हेलीकॉप्टर से चल रहे थे उसका नाम है Bell 212, जो कि एक काफी ही पुराना हेलीकॉप्टर है और कई जगहों पर उस रिजेक्ट भी कर दिया गया है। उसी हेलीकॉप्टर से वो और उनकी पूरी टीम चल रही थी जिसमें ईरान के FM, तबरीज के इमाम और ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर भी शामिल थे। उन सभी के साथ कल शाम से ही संपर्क करने की कोशिश चल रही थी लेकिन बैड वेदर के चलते, खराब मौसम के चलते उन लोगों के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उसी के चलते कई सारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स वहां पर जमीन पर उतार दी गई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर जो माहौल था, वहां पर जो एटमॉस्फेयर था, उसकी वजह से ज्यादा दूरी तक देखा नहीं जा सकता था। उसी खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर के एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। उसी के बीच कई सारे कंट्रीज से खबर आई कि अलग अलग कंट्रीज से ईरान को मदद करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और अलग अलग उपकरण भेजे जा रहे हैं। साथ ही में यूरोपियन कमिश्नर फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट जैनेस लेनार्चिक भी मदद के लिए आ गया है और उन्होंने कॉपरनिकस EMS रैपिड रिस्पांस सैटेलाइट मैपिंग सर्विस भी एक्टिवेट कर दी, जिससे ये पता चला कि कौन से 20 किलोमीटर के एरिया में वो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर आखिरी बार ट्रेस किया गया था। तो उसी के चलते उस पर्टिकुलर 20 किलोमीटर के रेडियस में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। उसी के बीच वहां पर वेदर कंडीशन इतनी खराब हो रही थी कि वहां पर बर्फ गिरना भी स्टार्ट हो गया और उसी के चलते उन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स में से एक पर्टिकुलर टीम कॉन्टेक्ट से बाहर हो गए। उस पर्टिकुलर टीम का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है लेकिन साथ ही में तुर्की ने भी अपना ड्रोन भेजा था, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसने एक रिकॉनिसेंस मिशन किया और उसमें हेलीकॉप्टर के एग्जैक्ट क्रैश साइट का पता लगाने की कोशिश की। अल्टीमेटली आज सुबह जो एग्जैक्ट लोकेशन था क्रैश लैंडिंग का वो पता चला लेकिन वहां पर से जिस तरह से तस्वीरें आ रही है उसे ये बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही। उसी के चलते वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने कन्वीनियंटली कल शाम को सभी मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला ली थी और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन चालू हो गए। फाइनली कुछ देर पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी वो मृत हो चुके हैं। इन सब खबरों के बीच में PM नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कंसर्न कल एक्सप्रेस किए थे ट्विटर के माध्यम से और अब ये जो परिस्थिति खड़ी हुई है जहां पर ईरान के प्रेसिडेंट की अकाल मृत्यु हुई है तो उनके संविधान के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अगले 50 दिन में री इलेक्शन किए जा सकते हैं। अब अगर बात करें वहां के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी, जो कि हाल में इमरजेंसी के तौर पर वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे मोहम्मद मुखबिर, वो खुद एक बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और इराक ईरान वॉर के समय भी सर्व कर चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर वही प्रेसिडेंट बन के आ गया है तो ईरान में ज्यादा सेटबैक्स नहीं होंगे। अब अगर बात करें पर्टिकुलरली ईरान की तो ईरान को अलग अलग प्रॉक्सीज के चलते काफी ही डार्क कलर में पेंट किया जाता है और हम भी वहां की जो रिजीम है, करंट IRGC की जो रिजीम है, आयतुल्ला खुमैनी की जो रिजीम है, उसको समय दर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उन लोगों के जो एक्शंस हैं और उन लोगों के प्रॉक्सी के थ्रू जो अटैक्स अलग अलग जगहों पर वो लोग करवाते रहते हैं उसके लिए, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान साथ ही में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट की ओर भी अपने कदम बढ़ा रहा था, जिस तरह से खास करके हाल ही में INSTC के लिए उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। चाबहार पोर्ट में भारत को ऑलरेडी एक पोर्ट को ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई थी और साथ ही में ईरान में स्पेसिफिकली इस INSTC प्रोजेक्ट के लिए रेलवे लाइन को सेटअप करने का प्लान भी चल रहा है। तो उसी के चलते ये पर्टिकुलर जो लॉस है इब्राहिम राइसी जी, वो INSTC के लिए भी एक छोटा सा सेटबैक हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, मोहम्मद मुखबिर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो किस तरह से इसको ले जाएंगे, वो भी एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तो अगर वो भी डेवलपमेंट की ओर देखते हैं तो INSTC के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हाल में ईरान में परिस्थितियां काफी क्रिटिकल हैं। कल रात से ही कई सारे लोगों ने इस खबर को लेकर सेलिब्रेशन किया था और फायरवर्क्स भी जलाए थे और साथ ही में कई सारे और लोग भी थे जो सड़क पर आ गए थे और इब्राहिम राइसी के वेलबींग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो ईरान में हाल में दोनों ही प्रकार के लोग हैं जो IRGC और करंट गवर्नमेंट, करंट रिजीम को अपोज करते हैं और साथ ही में दूसरी भी साइड है जिसमें करंट गवर्नमेंट और करंट रिजीम को
काफी ही अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको काफी ही हाई पेडेस्टल पे रखा जा रहा है। ये पर्टिकुलर ईरान की बात है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से इसमें डेवलपमेंट होते हैं। अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीक, तो इसी पर्टिकुलर हफ्ते में कई सारी चीजें एक ही साथ हुई हैं। कुछ ही दिनों पहले स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको, उनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। अब ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर क्रैश है वो भी काफी संदिग्ध बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एक्चुअल नेचुरल फिनोमिना की वजह से हुआ हो। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी कू करने की कोशिश की गई थी, और साथ ही में अफ्रीका डीआर कांगो में यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी कू करने की कोशिश की गई। वो जो डीआर कांगो में कू करने की कोशिश की गई थी उसमें कुछ अमेरिकन भी पाए गए। तो इसी के चलते ये चीज भी निकल कर आ रही है कि जो भी करंट गवर्नमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में खास करके एशिया में और अफ्रीका में वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ जा रही हैं, उनकी लीडरशिप के ऊपर अलग अलग प्रकार से हमले हो रहे हैं। भारत का भी केस कुछ उसी तरह का है, लेकिन भारत एंटी वेस्ट नहीं है, लेकिन वो मल्टीपोलारिटी की बात करता है। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो रशिया, ईरान और अन्य कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर रख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है पीएम नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की। तो उनके ऊपर भी इसी पूरे माहौल के चलते खतरा मंडरा रहा हो तो उसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो हमको भी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सचेत रहना होगा, अपने आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर नजर बना के रखें, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है। भारत में अस्थिरता लाने के लिए किसी भी चीज को किसी भी प्रकार से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं और लेफ्टिस्ट कबाल है, वे लोग धीरे धीरे करके डेस्परेट होते जा रहे हैं, और उसी की वजह से वे लोग रेंडमली और हैफेजार्डली और रेकलेस अलग अलग जगहों पर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे हैं इन वन वे और दी अदर। तो हम भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं और भारत सभी नागरिकों से ये निवेदन करते हैं कि सचेत रहें, किसी भी फॉल्स नैरेटिव को ना ही क्रिएट करें और ना ही उसमें पड़े, क्योंकि वो अल्टीमेटली बहुत ही कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट ला सकता है। और उसके लिए भारत के बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं, तो वी हैव ऑलरेडी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, नो मोर। अब भारत किसी भी बाहरी सत्ता या एक्सटर्नल फोर्सेस से कंट्रोल नहीं होगा और ना ही चलेगा। उसके लिए हमको सचेत रहना होगा और कार्यरत रहना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक चीज है और साथ ही में सचेत रहें एक और चीज। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़े ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जो हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़कर अपडेटेड रह सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।